हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि केमिकल काइनेटिक्स में आपका अभी एक्सरसाइज का टॉपिक चल रहा है, उसमें आपने इस वाले लेक्चर से पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व कर लिया है, तो मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 21। आपके बुक में देखिए, आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये बोल रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप प्रूव करिए कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगने वाला जो टाइम होता है वो 90% कंप्लीट होने वाले टाइम से जस्ट डबल होता है। एक बार दोबारा सुनिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आप प्रूव करो कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगने वाला जो टाइम होता है वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने वाले लगने वाले टाइम से ट्वाइस दुगुना होता है। तो आपको इसको प्रूव करना है। इसके लिए मैं एक बार एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान ली, तो K = 2.303/T log 10 बेस a अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसा अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वेशन लिखते हैं। अब इससे हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखना। टी टाइम, सपोज ये टाइम मेरे पास में है 99% के लिए, 99% के लिए जब मैं टाइम नोट करूं तो फॉर्मूले में मैं ऐसा लिख दूं एक बार के, तो लीजिए टी 99% = 2.303/K log 10 बेस a इनिशियल कंसंट्रेशन 100% मान ली, और जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो रिमेनिंग कितने बच जाती है, 1%। इसलिए आप एक बार इसको सोल्व करेंगे तो t 99% = 2.303/K log 100, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए 2 होती है। इसलिए ये इक्वेशन अपन लिख सकते हैं t 99% = 2.303/K into 2। आपके पास एक बार इक्वेशन नंबर 1 है, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब अपन दूसरी वाली इक्वेशन नोट करते हैं। अब मैं 99 को 90% लेकर के इक्वेशन नोट कर रहा हूं, देन वी कैन से टी 90% = 2.303/K log 10 बेस 100 बाई 10। अब ये 10 क्यों आया है, क्योंकि यहां पर देखिए a माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन 10 हो गई है, 90% कंप्लीट हो गई तो 10% बच गई, यहां देखिए 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो 1% बच गई थी। इसलिए मैं क्या नोट कर सकता हूं, t 90% = 2.303/K log 10 बेस 100 बाई 10 मीन्स 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसलिए अपन नोट करेंगे t 90% = 2.303/K। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक रिलेशन पूछा गया है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि t 99% बाई t 90% = 2, ये कैंसिल हो गया है, तो आपके पास क्या बच गया है, देखिए 2 बाई 1। इसलिए आप प्रूव कर चुके हैं कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम डबल होता है 90% कंप्लीट होने वाले टाइम की कंपैरिजन में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप चेक करिए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही बोला जा रहा है, दोबारा से वो बोल रहे हैं कि आपके पास कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 30% पार्ट कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है
40 मिनट में, 40 मिनट में 30% अभिक्रिया पूरी हो रही है। तो वो अपने से कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का टी हाफ यानी अर्ध आयु, हाफ लाइफ कैलकुलेट करिए। ऐसा अगले क्वेश्चन में वो ले जा रहा है, आप चेक कर ले क्वेश्चन को, देख ले उसमें। तो जब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हिंट दिया गया है तो मैं इसको ऐसा नोट करता हूं, फिर देखिए। बोलिए के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, हमें देखो टाइम दिया है कितना है, 40 मिनट टाइम दिया है, ए 100% है, ए माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो जब 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो रिमेनिंग बच गया 70%। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, के इसलिए कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमें इसमें टी हाफ पूछा गया है। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। जब आपके पास में के की वैल्यू होगी तो आप इससे टी हाफ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो के कैसे कैलकुलेट करना है आपको, से के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी बोलिए 40 मिनट, लॉग 10 बेस 100 By remaining concentration, 30% complete हो गई तो बोलिए 70% remaining है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं K is equals to 2.303 upon 40, बोलिए log 10 minus log 7, log 10 minus log 7, 10 की वैल्यू 1 में से log 7 की वैल्यू माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में बोलो k की वैल्यू आ जाएगी। उस k की वैल्यू को आप शिफ्ट करिए यहां पर, इससे आपके पास में क्या आ जाएगा, टी हाफ। और आपसे टी हाफ ही पूछा गया है इस क्वेश्चन में, अर्ध आयु आपसे पूछी जा रही है। मैं समझता हूं शायद ये कैलकुलेशन आप इजिली कर देंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। लीजिए आपको एक इक्वेशन दी जा रही है, कोई भी एक इक्वेशन इस टाइप से है। देखो आइसो प्रोपेन से पहले लगा दिया है एजो, एजो आइसो प्रोपेन से N2 और हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बनने की एक रिएक्शन है। एजो आइसो प्रोपेन एक गैस है, N2 एक गैस है और हेक्सेन एक गैस है। तो बोलिए एक गैस रिएक्शन अपने को उसमें दी हुई है। इस गैस रिएक्शन का जब ऑब्जर्वेशन किया गया है तो उसकी एक ऑब्जर्वेशन टेबल भी यहां पर बनी हुई है। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो भी मैं आपको इसमें बता दूं क्या दिया हुआ है, आप चेक करना। उसमें एक तो टाइम दिया है सेकेंड में, और एक प्रेशर दिया है mm या hg में। तो टाइम पहले जीरो है, फिर 360 है, और उसके बाद में 720 है। ये आपको टाइम और प्रेशर है, ये प्रेशर 35.0, ये 54.0 और ये 63.0, ऐसा आपको एक टेबल बना करके दिया है। तो देखिए जब ये टाइम दिया ना आपको यहां पर, ये तो इसको बोलिए जीरो टाइम पर इनिशियल प्रेशर है, ये 360 सेकंड पर प्रेशर है, ये 720 सेकंड पर प्रेशर है। तो जब ऑब्जर्वेशन टेबल आपके पास में है तो अब इसमें अपने से इससे आगे ये पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के लिए हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। जबकि साथ में हिंट ये भी है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, बोलिए फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपको जब कोई एक गैस रिएक्शन दी है और उसमें प्रेशर की वैल्यू दी है, इनिशियल प्रेशर भी दिया है और टी टाइम पर भी प्रेशर दिया है, तो स्टूडेंट्स आप ये जो मेरी लेक्चर चल रही है उसमें यदि आपको याद नहीं रहे तो बता दूं मैं, आप लेक्चर नंबर 6 में जाना, आपको मैंने लेक्चर नंबर 6 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स समझा रखे हैं। उन एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि जब आपको कोई गैस इक्वेशन दी हुई है
और उस पर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है यहां पे, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस प्रेशर इनिशियल इनटू एन माइनस वन अपॉन एन प्रेशर इनिशियल माइनस प्रेशर टोटल। ऐसा मैंने एक फॉर्मूला आपको बना के दे रखा है और यह भी कहा था कि यह फॉर्मूला सभी उन गैसेस रिएक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा जिनमें आपको प्रेशर इनिशियल और प्रेशर टी टाइम पर दिया गया है। जहां आपको बस किस बात का ध्यान रखना स्पेशली, बोलिए एन का, ये एन की वैल्यू आप रख देंगे तो आपके लिए उस इक्वेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप देखना आपकी बुक में जो ये आइसोप्रोपेन दे रखा है ये वन मोल है और एन टू वन मोल है और हेक्सेन वन मोल है, तो बोलिए वन मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट बना है, टू मोल, इसलिए यहां एन की वैल्यू है टू। तो एक बार इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू टू रखिए, कैसे नोट करेंगे, बोलिए के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, ये टी लॉग 10 बेस 2 माइनस 1 मींस 1, तो बोलिए इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 इंटू इनिशियल प्रेशर, 2 इंटू इनिशियल प्रारंभिक दाब माइनस टी टाइम पर प्रेशर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस रिएक्शन के लिए। अब आप टेबल में देखो इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, इनिशियल प्रेशर वो होता है जो जीरो टाइम पे दिया जाता है, जीरो टाइम पे प्रेशर 35 है तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 35.0 अपॉन इनिशियल प्रेशर इनटू 2 यानी 35 इनटू 2 माइनस टी टाइम पर प्रेशर। तो देखिए टाइम यहां से शुरू किया है टेबल में, 360 टाइम पर प्रेशर इतना है, तो जब आप टी की वैल्यू 360 लेवेंगे उस समय पी टी की वैल्यू कितने लेवेंगे, 54। मान लो कि आपने टाइम काउंट किया है 720 तो फिर प्रेशर टाइम कितना नोट करेंगे, 63। इसलिए यहां आपके पास में के की वैल्यू कितनी आएंगी, दो आएंगी। वो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिए के वन इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम कितना नोट कर लू मैं एक बार देखो 360, सेकंड लॉग 10 बेस इनिशियल प्रेशर वो होता है जो जीरो टाइम पे दिया गया है, तो बोलो 35.0 बाई 2 इंटू 35 माइनस उस टाइम पर कितना प्रेशर है, 54 है, देन 54। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास में किस क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 35 अपॉन 70 माइनस 54 और इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास K1 की वैल्यू आ गई। अब मैं K2 कैसे नोट करूं वो देख के बताओ आप, इसी टेबल से K2 नोट करने के लिए टाइम चेंज कर दिया आपने, 360 की जगह कितना लिख लिया 720, देन 2.303 अपॉन 720, ये 720 टाइम नोट कर दिया लॉग 10 बेस। अब इनिशियल प्रेशर थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो एज इट इज ही रहेगा, जीरो टाइम पे इनिशियल प्रेशर आया हुआ है अपॉन 2 इनटू आपके पास इनिशियल प्रेशर जो है उससे तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन माइनस कितना नोट करेंगे, अब इस टाइम पर जो प्रेशर है वो माइनस नोट करेंगे, इसलिए मैं क्या नोट करूं यहां पर, बोलो 63.0। आपके पास K1 और K2 दो प्रकार के ये कांस्टेंट आ गए हैं, इन दोनों का अब अपने को यहां एवरेज कैलकुलेट करना चाहिए, वो एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैं ऐसे बता दूं, देखो इसको आप अब ऐसे कैलकुलेट करना, K इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, अपॉन दो हो गए ना, ये दो वैल्यू हो गई तो इसका एवरेज आ जाएगा और आप कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। मैं समझता हूं शायद आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व करने आने लग गए होंगे, यस आपकी एक्सरसाइज में
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आपको एक इक्वेशन मिल गई है कि सपोज SO2 से SO2 प्लस Cl2, ये एक इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन को भी कैसा माना गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, ओके। यहां आपको इस रिएक्शन के जस्ट नीचे एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू भी दी गई है। वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू देखिए इस टाइप से है, यहां तो टाइम है सेकंड में और उसके बाद में है प्रेशर एमएमएचजी में या एटीएम एटमॉस्फेयर में। ये दो वैल्यूज आपको यहां पर टेबल में बना करके दी गई है, एक तो यहां पे दिया है जीरो फिर हंड्रेड, उसके बाद में है 0.5 और ये 0.6। यस, देखो जीरो टाइम पे जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर बोला जाएगा और टी यानी 100 सेकेंड टाइम पर जो प्रेशर है वो टी टाइम प्रेशर बोला जाएगा। तो आप देखो आपको कौन से प्रेशर दिए गए हैं, बोलिए जी इनिशियल प्रेशर दिया है और टी टाइम पे प्रेशर दिया है, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लग गया, अभी अभी मैंने बताया आपको, बोलिए के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस प्रेशर इनिशियल इनटू एन माइनस वन अपॉन एन इनटू इनिशियल प्रेशर माइनस टी टाइम प्रेशर। अब आपको यह देखना है कि इस इक्वेशन में एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू अपन रिएक्शन से निकालते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं, बोलिए एसओ सॉरी ये फॉर क्वेश्चन ऐसे है SO2Cl2 का 1 मोल है, इससे एक SO2 बन रहा है एक Cl2, तो 1 मोल रिएक्टेंट से 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो बोलिए n की वैल्यू कितनी है 2, इसलिए n की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 माइनस 1 और यहां पे ये 2, तो ये इक्वेशन कैसे नोट करूं, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 इनटू इनिशियल प्रेशर माइनस टी टाइम प्रेशर। स्टूडेंट्स आपको इनिशियल प्रेशर दिया है बोलिए 0.5 एटीएम और टी टाइम प्रेशर दिया है बोलिए 0.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इक्वेशन में हम के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो 2.303 अपॉन टी, टी तो अब अपने को यही काउंट करना है, बोलिए 100 लॉग 10 बेस इनिशियल प्रेशर कितना नोट करूं 0.5 अपॉन आपके पास में 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस टी टाइम प्रेशर कितना है 0.6। तो ये बन गया है 1 माइनस 0.6 मींस 0.4, आप इसको सोल्व कर लेंगे, लॉग 5 माइनस लॉग 4 की वैल्यू लेकर के आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और बढ़ाया है इस क्वेश्चन को, वो बोल रहे हैं कि जब आपके पास में के की वैल्यू आ गई है तब तो अपन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रेट कैलकुलेट करने के लिए के इनटू प्रेशर ऑफ SO2 Cl2, ये प्रेशर अपने को नोट यदि आ जाए तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं रेट की भी। इसके लिए अगले ने आपको देखिए इनिशियल प्रेशर दे रखा है, टी टाइम पे प्रेशर दे रखा है, तो आप प्रेशर इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर टी टाइम प्रेशर कैलकुलेट करके आप यहां पे प्रेशर लिख देंगे तो रेट की कैलकुलेशन हो जाएगी। आई थिंक मैं समझता हूं शायद आपको केमिकल काइनेटिक्स के ये न्यूमेरिकल्स आने लग गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन ऐसा और बता रहा हूं अभी आपको जिससे ये पता चल जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन यदि होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम और कैसे सोल्व की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके लिए अगला क्वेश्चन आप चेक करना, उसमें दिया हुआ है कि आपको सपोज एक्टिवेशन एनर्जी दी है ई ए इज इक्वल्स टू 179.9 किलो जूल पर मोल और इसी में आपको के की वैल्यू दी है
2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तब आपसे रिमेनिंग कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, सॉरी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और इसमें क्वेश्चन में आप चेक करेंगे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू मैं चेंज कर दिया, मैंने दोबारा से नोट करता हूँ, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स है और टाइम है 546 केल्विन। इसमें अपने को प्री एक्सपोनेंट फैक्टर ए जो होता है वो कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आप जानते हैं आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, बोलिए log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। जब आपको k की वैल्यू दी गई है, ई ए एक्टिवेशन दिया है, आर कॉन्स्टेंट है, टी की वैल्यू दी है, तो हम log a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे नोट करेंगे देखना, बोलिए log a इज इक्वल्स टू log k प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। मैं क्या नोट करूं देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बोलिए log a इज इक्वल्स टू log 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, ये मैंने log k की वैल्यू रख दी है, प्लस ई ए की वैल्यू 179.9 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये किलो जूल में था, मैंने उसको जूल पर मोल लिख दिया है, जूल पर मोल में ले लिए वैल्यू, और उसके बाद में 2.303 आर 8.314 ये जूल पर मोल में है ना, इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल पर मोल एंड टी टाइम 546। आपको log a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले ये सॉल्यूशन करेंगे और फिर आगे वाली इस वैल्यूज का एंटी लोग ले लेंगे। मैं समझता हूं शायद केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको आने लग गए होंगे, और इसी प्रकार से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।